हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे मार्केट के बारे में। मार्केट के लिए तीन चार गुड न्यूज़ है। रिजर्व बैंक की जो मीटिंग का आउटकम आया था वो तो उसमें कुछ भी नेगेटिव हमारे रिजर्व बैंक गवर्नर ने बोला नहीं, उसके बावजूद भी मार्केट भागा नहीं, क्योंकि सबको डर था कि यूएसए मार्केट में शुक्रवार को कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो पहली गुड न्यूज़ ये है कि शुक्रवार को यूएस मार्केट फिर से बाउंस बैक कर गया। S&P 500 अराउंड 1.10% प्लस में क्लोज हुआ। डाउ जोन्स 0.80% प्लस में क्लोज हुआ। नैसडैक 1.30% प्लस में क्लोज हुआ। और स्मॉल कैप 2000 इंडेक्स यूएसए का 0.50% के आसपास प्लस में क्लोज हुआ है। तो मार्केट में, यूएस मार्केट में फिर से तेजी आ गई है। इसमें एक मेन रीज़न ये है, सिटी ग्रुप जो कि एक बड़ा जो बैंक भी है और स्टॉक मार्केट में उनका काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी है, तो सिटी ग्रुप ने, और बुकिंग के भी काम करता है, वर्ल्ड फेमस का ग्रुप है सिटी ग्रुप, उनके एनालिस्ट ने कहा है कि जून में फेड का पहला कट आएगा ही आएगा, ऐसा उनको लगता है। तो जून के महीने में, जैसे कि बीच में भले ही कोई जो गवर्नर है, फेड के जो चीफ है पॉवेल, उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, पर बहुत बड़ी कमेटी होती है तो कोई ना कोई कुछ कमेंट करता रहता है। तो भले ही एक दो जो जूनियर गवर्नर्स हैं अलग अलग स्टेट के हैं फेड के, उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि एक रेट कट ना भी हो, और सिटी ग्रुप को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जून में फर्स्ट रेट कट होना ही होना है, ऐसा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, जिसके कारण भी यूएस मार्केट बाउंस बैक कर गया। तो इसका इम्पैक्ट हमारे भारत के मार्केट में भी देखने को मिलेगा, और मंडे को हो सकता है हमारा मार्केट भी फिर से पॉजिटिव जाए, तेजी दिखाए। और एक दूसरी गुड न्यूज़ यह है कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, डॉलर का जो रिजर्व है, वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। 645 बिलियन यूएस डॉलर का भारत का रिजर्व हो चुका है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट जो है अभी तक ये लेवल फॉरेक्स रिजर्व ने छुआ है। ये पिछले गए हफ्ते में भी 2.60 बिलियन यूएस डॉलर से हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है, तो अभी तक का हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास है। फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रांग होना मतलब इकोनॉमी के लिए, जो इकोनॉमी को अच्छा माना जाता है, तो ये सब पॉजिटिव अपडेट्स हैं, जिसके कारण हो सकता है सोमवार को हमें मार्केट में फिर से तेजी देखने को मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।